देश दुनिया की हर वड्डी खबर के लिए हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। लुधियाणा विच चल रहे विकास कार्यों नूं लै कैबिनेट मंत्री भारत भूषण आशू की अगवाई हेठ मीटिंग का आयोजन किया गया। मीटिंग विच नगर निगम कमिश्नर अते मेयर बलकार सिंह संधू तो इलावा अलग अलग विभागों के अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। मीटिंग नूं संबोधन करदिआं कैबिनेट मंत्री आशू ने दस्सिया कि शहर नूं साफ सुथरा रखण लई वख-वख विभागों के अधिकारियों दीआं ड्यूटियां लगाईआं गईआं ने। इस तों इलावा उन्हां किसानी संघर्ष ते गल करदिआं किसानां दी हिमायत कीती है। जिवें लुधियाणा हिंदुस्तान के जिहड़े मोस्ट पोल्यूटेड शहर च जिहदे च एयर क्वालिटी जिहड़े एयर पार्टिकल इत्थे बहुत ज़्यादा माड़ी हालत च ने, उहदे वास्ते सारे जिन्ने स्टेक होल्डर सीगे सारयां दी मीटिंग इत्थे बुलाई गई सीगी। अगों की इहदे ते स्टडीज़ होई आ उहदी प्रजेंटेशन लिती गई ते अगों किस किस तरीके इहनां च सुधार कीता जाणा है, किहड़े किहड़े डिपार्टमेंट दी की ड्यूटी है, वह सारयां दी इत्थे मीटिंग लई। इहदे च बकायदा तौर ते कारपोरेशन, पोल्यूशन बोर्ड, साढ़े एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, सारे डिपार्टमेंट ईवन रिमोट सेंसिंग वाले सब शामिल सी। स्मार्ट सिटी के कंसल्टेंट टीम भी सी, सब ने अपना अपना प्रेजेंटेशंस दित्तियां। तो आने वाले टाइम च इहदे वास्ते मकैनिकल स्वीपिंग किस तरीके है, मिट्टी किस तरह के सड़कों तो हटानी है, वो वास्ते प्रोजेक्ट जदों एयर पोल्यूशन वधदी है उहदे वास्ते स्प्रिंकलर्स या फाउंटेन्स उहदा की अरेंजमेंट करना है, उहदे बारे डिस्कशनस की गई। मकैनिकल स्वीपिंग किस तरीके इंट्रोड्यूस करनी है उहदे बारे डिस्कशन की गई। पोल्यूशन बोर्ड का की काम है, इंडस्ट्री के उत्ते किस किस तरीके उन्होंने जा लोगों नूं किवें अवेयर करना है, जनरेटर सैट्स के उत्ते कैनोपीज वगैरह लगाने वास्ते उन्होंने किस तरीके कहना, बड़ी माइक्रो लैवल से और बड़ी लंबी डिस्कशनस की गई, प्रजेंटेशनस भी हुई हैं। सारिया ही चीज़ा ये कल्ली तुसीं गंदगी ते ही फोकस कर रहे हो, पर स्टबल बर्निंग है जिदे करके बहुत हो जाता। उहदे च दस्सिया गया है भी इंडस्ट्री करके 35% पोल्यूशन रहिंदी है, 28% वहीकुलर ट्रैफिक करके 16% ये किन्नी किस किस तरीके कि एयर पोल्यूशन नूं कंट्रोल करन वास्ते किहड़े किहड़े महकमे दी इनवॉल्वमेंट दी लोड़ है, सारिया ही गल्लां कीतियां गईआं। इहदे च उह बकायदा तौर ते चल रहा सारा अवेयरनैस तो मैं थोनों दस्या भी बहुत वड्डा एक पार्ट है, क्योंकि कल्लियां सरकारां कुछ नहीं कर सकदियां जदों तक लोगों की शमूलीयत ना होवे। उहदे विच असीं आने वाले टाइम च एनजीओज़ भी इनवॉल्व करांगे, महकमियां दे नाल नाल लोगों तक किवें पहुँच करनी है, वह भी फॉरेस्टेशन या ग्रीन कवर किवें वधाउणा है। ऑलरेडी बहुत वड्डा काम हो रहा है, लेयर वैलीज़ बन रही हैं जिहड़ियां खाली जमीन है उहदे उत्ते किस तरीके ग्रीन कवर वधाउणा है, उहदे ते भी काम चल रहा है। जिहड़ी इंडस्ट्रियल एरिया वल वड्डे वड्डे पार्क पए है उहनां दे उत्ते किस तरीके पेड़ लगाए जाण और इंडस्ट्रियलिस्ट नूं विच इनवॉल्व किया जाए, उहदे विच इंडस्ट्री डिपार्टमेंट और कारपोरेशन दोनों नूं काम करन नूं कहा गया। ये सारे कामां ते चल रहे हैं। जिहड़ा वो एजेंडा है, जिहड़ा वो अंदोलन चलता पिया वो किसानी दा, किसानां दा है, किसानी नाल जुड़िया होया, और जिहड़ा पंजाब है वो सारा किसानी ते निर्भर है, एग्रेरियन स्टेट है, इहदी इकोनमी किसानां ते निर्भर करती है। इस करके सारिया पार्टियां चाहे वह झंडे थले नहीं है पर किसानी के मुद्दे ते कठियां ने, ते अज वो चाहुंदियां ने भी इन्हां बिलां नूं रोल बैक किया जाए ताकि पंजाब दी किसानी नूं बचाया जा सके। बड़े भरम फैलाउण दी कोशिश की जा रही है बई जी आह किसान जथेबंदियां टुट गईआं, वह टुट गईआं क्योंकि बेसिकली जिहड़ी MSP है वह आंदी तां सारे हिंदुस्तान वास्ते है, जिहड़ियां 23 फसलां दे उत्ते सारे तुसीं गल भी करदे हो, पर समझण वाली गल ये लोड़ है भी उहदे ते दो फसलां ते जिहड़ी प्रक्योरमेंट है वह पंजाब ते हरियाणे च ही सी, तो इनू भी डैमेज करने की कोशिश की जा रही है। या तो पंजाब ते हरियाणे का सिस्टम अगर तुसी किसानां दे हक च हो तो बाकी स्टेटां च भी लागू करो, उन्हां दी फसल भी चको, तो रहिंदियां फसलां ते भी MSP दी प्रक्योरमेंट
पक्की करो। वो तो की करनी सी तो ये सुधारा के नाम हेठ सिर्फ कारपोरेटर नू फायदा करन लई जा वो आके बाहरले बंदे इनू करनगे ते उन्हनू रिलैक्सेशन भी इनिया देतियां ते इत्थे ते मंडीकरण सिस्टम नू भी बर्बाद करन की कोशिश कही की गई है। इस तरीके के भरम है जिहड़े सेंटर गवर्नमेंट बार बार फैला रही है, किसान अपने हकों लई लड़ रहा उत्थे। सेंटर गवर्नमेंट हुण सुप्रीम कोर्ट भी चली गई है, सरकार खाली करन दी गल करी जा रही है। वो तो उन्हां दा ढंग रहा किस तरीके उन्होंने ਕਿਹੜਾ ਹੀਲਾ ਵਰਤਣਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੜਿਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸੈਂਟਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਪਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਪੀਸਫੁੱਲ ਡੈਮੋਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹਲੇ ਤਾਈਂ ਘਟਿਆ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਲੋਕ ਰਾਏ ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨੀ ਪਏਗੀ ਸਭ ਨੂੰ। लुधियाना तो अभिषेक बैल दी रिपोर्ट। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद पंडित मौलवी बेगम तांत्रिक इन्हां चोरा ठगा तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण सट्टा नंबर लव मैरिज पति पत्नी च अनबन विदेश च पक्का होना कारोबार दा ना चलना सिर्फ 31 घंटिया विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद मोबाइल 84374 94647 84374 94648।